चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है किसान आंदोलन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, आंदोलन के कारण क्या है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 क्या है, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 क्या है, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 क्या है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में पारित हुए 3 कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली चलो की अपील के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। आंदोलन के कारण क्या है? केंद्र सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। ये 3 विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। ये 3 विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। इन कानूनों का विरोध हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 क्या है, किसानों को इससे क्या भय है और इसे लेकर सरकार का क्या पक्ष है, इस पर अब हम बात करेंगे। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है, साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। किसानों को इससे क्या भय है? MSP का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? सरकार का इस पर क्या पक्ष है? MSP पहले की तरह जारी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में ई नाम ट्रेंडिंग जारी रहेगी। कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 क्या है, इसको लेकर क्या प्रावधान है, किसानों के इससे क्या भय है और सरकार का इस पर क्या पक्ष है, इस कानून में कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। किसानों को इससे क्या भय है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियां फायदा उठाएंगी। सरकार का इस पर क्या पक्ष है? कॉन्ट्रैक्ट करना या नहीं करना, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स बन गए हैं। ये FPO छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर भी विवाद निपटाया जाएगा। अब बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 की। इस विधेयक में ये प्रावधान है कि इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन,
खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के अनुसार इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। किसानों को इससे क्या भय है? बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। अब सरकार का इस पर क्या पक्ष है? किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वह आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी ही, इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। आज का प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों का किसानों ने विरोध किया, इन कानूनों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कथन दो, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। उपरोक्त में सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।